Hey guys, this is Vishal and welcome to this brand new series which we are doing in tribute to Dr. Van Thapp. He moved on in last week of February 2022 and he was one of our mentor which I think I learned the most in terms of mindset, trading, strategies and was an inspiration. Agar aisa koi coach hi nahi, aisa koi mentor nahi hai jo maine unke jaisa dekha hai. Of course, mere piche bahut sare coaches aur mentors ka haath hai, hamare pure training institute jo humne khada kiya hai. तो मैं चाहता हूं कि ये जो सीरीज़ है सुपर ट्रेडर अ ट्रिब्यूट टू वैन थाप, इसका जो पहला एपिसोड है इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले एक ओवरऑल देखते हैं कि डॉक्टर वैन थाप जो बताते थे उनकी बुक्स में कि ओवरऑल अगर ऐसे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो ये पांच चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वो पांच चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और फिर अगले एपिसोड्स में वील टॉक अबाउट कि स्ट्रैटेजीज पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, माइंडसेट पे, बिलीफ पे और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आएंगे. सो बहुत एक्साइटेड हूँ और अगेन इट्स अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर वैन थाप, ही वॉज वन लेजेंड. तो चले शुरू करते हैं कि पहला जो ये एपिसोड है इसमें आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट दोनों चैनल पे दोनों सब सारे लोगों को फ़ायदा हो. और मैं ज़रूर फिर से इंसिस्ट करूँगा कि आप उनकी किताबें, उनके बुक्स पढ़े, उनके वीडियोस जो भी अवेलेबल है उनको देखें ताकि आप भी इंस्पायर हो सके. और ना पढ़ सके या ना देख सके तो ऑफकोर्स ये सीरीज़ को देख लो, यहाँ पर भी मैं उनका जिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये जो पाँच चीज़ें हैं, फाइव थिंग्स टू बिकम अ ट्रेडर, फाइव थिंग्स टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर और सुपर ट्रेडर, लेट्स कॉल इट सुपर ट्रेडर. तो उसमें पहला चीज़ है नोइंग योर सेल्फ एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करना. और यही चीज़ हमको उनकी बहुत पसंद आती थी. क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे, अपने अंदर इंटरनल काम नहीं करोगे, तब तक बाहर की कोई स्ट्रैटेजी, बाहर का कोई भी रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी RSI कुछ काम नहीं करेगा. तो ये जो अंदर पे काम करते हैं, जो हमारा ट्रेडर मी प्रोग्राम है 1 ईयर, उसमें भी हम ज़्यादातर उसी पर फोकस करते हैं. जो मेघना है वो सारे यही टॉपिक्स पर काम करती है. तो चलिए बात करते हैं पहले कि ये जो अपने आप पर काम करना है उसमें सबसे पहले है कि क्या आपको ट्रेडिंग पसंद है. Do you love trading? कोई भी चीज़ जिसको प्यार से, जिसको मेहनत से, जिसको लगन से करे वो चीज़ अच्छी होती है. अगर आपको स्ट्रेसफुल लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ, या आपको प्रेशर लगता है, आपको बैक टेस्ट करना या पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, मतलब आप उसमें, आपको वो पैशन नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं, एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड एडिक्शन है, मतलब आप उसमें, आपको उसमें मज़ा आता है, किक मिलता है जो ज़्यादातर लोगों को मिलता है. लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, मतलब जो स्टॉक को ढूंढना, स्टॉक का एंट्री, बैक टेस्ट करना, स्ट्रैटेजी को समझना, वीडियोस को देखना, बुक पढ़ना, ये अगर आपका एक पैशन बन जाएगा अंदर से, तब जाके आप ट्रेडिंग में काम अच्छा से कर सकते हो. और नहीं है तो इसको पैदा करना पड़ेगा. सो दैट्स द वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज़ व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट और व्हाट काइंड ऑफ एपेटाइट यू हैव, मतलब आप कौन से तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो. जैसे बहुत सारे होते हैं डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर. ऐसा नहीं है कि अगर वो डे ट्रेडिंग में पैसा बना रहे तो मैं भी बनाऊंगा. उसका और आपका माइंडसेट शायद अलग हो, आपका एपेटाइट अलग हो, आपका कैपिटल अलग हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अलग हो, आपके साथ शायद उतना टाइम भी ना हो. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन से तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूँ. आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी रोज की जो दिन भर की हैबिट्स है, आर यू हैविंग द राइट हैबिट्स और द गुड हैबिट्स टू बिकम अ गुड ट्रेडर, हैविंग डिसिप्लिन, हैविंग थिंग्स ऑन टाइम, अटेंशन टू डिटेल्स. डिटेल्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी लोग अटेंशन टू डिटेल्स नहीं करते और छोटे छोटे सिग्नल मिस कर देते और उसकी वजह से गलती हो जाती है. आप डिसिप्लिन हो कि नहीं, मतलब आप अपना काम बराबर से कर रहे हो, टाइम पे खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, तो वो ट्रेडिंग में भी आपको दिखाई देगा कि आप बराबर से एनालिसिस कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो और अपना होमवर्क कर रहे हो. राइट, सो दिस इज अनदर अबाउट हैबिट्स. देन अनदर थिंग विच वी टॉक अबाउट इज द बिलीफ सिस्टम. आप ट्रेडिंग को मानते क्या हो, मतलब आप ट्रेडिंग के बारे में आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है. ये बिलीफ पे हमारा पूरा एक सेशन होता है, पूरा एक दिन होता है ABCT में, जहाँ पे जब तक आप मानते हो कि अरे स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, डेंजरस है, रिस्की है, ये सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे अगर आपके बिलीफ्स है तो सोचो आपका ट्रेडिंग कैसा होगा. तो बिलीफ्स कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे, इसको कैसे बदलना है और फिर आप ट्रेडिंग में अंदर उतर सकते हो. और एक है कि आपका मेन पर्पस क्या है ट्रेडिंग करने का या पैसा बनाने का, द वाई, वाई यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर वर्सेस हाउ टू बिकम अ ट्रेडर. हाउ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे बनना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों बनना वो इम्पॉर्टेंट. आप बोलोगे मुझे पैसा कमाना है, तो खाली पैसा कमाने के लिए दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन और दिस वुड बी द वेरी टफ ऑप्शन, मतलब बहुत मुश्किल होगा. लेकिन अगर आपका एक बार वाई क्लियर हो गया कि हाँ मुझे ट्रेडर बनना है क्योंकि मुझे पैसा कमा के फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है, फैमिली को बेस्ट लाइफस्टाइल देना है, कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को
और मुझे ट्रैवल करना है, लोगों के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है. जब आपका वाई ऊपर जाता है उतना ही हाउ नीचे जाता है. द हायर द वाई, द स्ट्रॉन्गर द वाई, ईजियर द हाउ, राइट. सो ये सारी चीज़ ट्रेडिंग के बारे में तो है ही नहीं, मतलब दिस इज ओनली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ इट, द फर्स्ट पार्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर. दैट्स व्हाट डॉक्टर वैन थॉप सेज एंड आई कंप्लीटली अग्री, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन अवर प्रोग्राम्स ऑल्सो. द सेकेंड स्टेप टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर इज टू कंसिडर ट्रेडिंग एज अ कंप्लीट बिजनेस. डू यू हैव अ ट्रेडिंग बिजनेस प्लान, मतलब बिजनेस प्लान बिजनेस की तरह करते हो कि नहीं करते. बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है कि आप प्लानिंग करोगे, आप अपना खर्चा कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपका शॉर्ट टर्म विजन क्या है, आपके पास कौन से स्ट्रैटेजी है, कि कभी कंटिजेंसी फंड रखा है कि नहीं, सेफ्टी फंड रखा है कि नहीं, आपके बिजनेस में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, आपके बिजनेस में टीम कौन कौन है, मतलब आपके पास डीलर है, ब्रोकर है, आपके कोई फ्रेंड्स है या आपकी कोई टीम है, मतलब पूरे बिजनेस की तरह अगर सोचोगे. जैसे समझो एक बिजनेस होता है जो प्रोसेस ड्रिवन होता है. जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट. तो प्रोसेस क्या है आपका, तो जैसे समझो आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो मैकडॉनल्ड्स में जो फ्रेंच फ्राइज बनता है, फ्रेंच फ्राइज पूरे दुनिया में कहीं भी टेस्ट करोगे सेम टेस्ट आता है. क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस ड्रिवन है और वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उनका. जब प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है तो कोई भी कर सकता है. मतलब समझो आप बीमार हो गए, आप अवेलेबल नहीं हो, आप नहीं रहे, तो आपका बिजनेस कौन लेके जाएगा? जब प्रोसेस होगा तो ही कर सकता है. अगर एक आर्ट की तरह करोगे, मतलब एक कला की तरह करोगे, अरे मैं ये सब चार्ट देखता हूँ, फिर मुझे ये अच्छा लगा, फिर मुझे वो अच्छा लगा, फिर मेरे हिसाब से ये होगा, मुझे ऐसा गट फीलिंग आया, तो वो आपके तक सीमित हो जाएगा. मीन्स यू कांट डेलीगेट, यू कांट एक्सपैंड योर बिजनेस, राइट. यू कांट इवन टेक अ हॉलीडे, क्योंकि आपको ही समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो. लेकिन अगर प्रोसेस ड्रिवन कर दिया, बिजनेस की तरह किया, तो आप अपने टीम को सिखा सकते हो. आपके पास एक बड़ा, जैसे बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, तो वो सब लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. इवन इन माय ऑफिस आई हैव पीपल हु ट्रेड फॉर मी. सो मैं नहीं हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं सेमिनार में हूँ, मैं बारगा हूँ, फिर भी ट्रेडिंग चलता है क्योंकि प्रोसेस ड्रिवन है. तो ही आपको फ्रीडम मिलेगा. So I want you to start, if you want to become a successful trader, you need to start thinking like trading as a business. Business mein input kya hai, output kya hai, sales kya hai, marketing cost kya hai, overall, matlab not everything is applicable to trading business, but mera cost versus revenue kya hai, matlab mere losses कितने हैं और मेरे प्रॉफिट कितने हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक रेट क्या है, मेरा एवरेज रिटर्न रिस्क पर ट्रेड क्या है. ये सारा चीज़ जैसे एक बिजनेस सेटअप करते हो ना, वैसे अगर आप ट्रेडिंग को सेटअप करोगे तो आप जरूर ट्रेडर बनोगे, जरूर इन्वेस्टर, सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो. तो ये था सेकंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेक इट लाइक अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस एंड नॉट एज अ पार्ट टाइम हॉबी और टाइम पास और पैरेलल इनकम, बट अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. The third point to become a successful trader investor as per Dr. Van Thapp in his books is that you need to have various strategies which works under all conditions. मतलब मार्केट एक ऊपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, चॉपी ट्रेंड, वॉलेटाइल ट्रेंड, ये सारे दायरे से गुजरता है. और हमारे पास अगर समझो एक ही स्ट्रैटेजी है तो हम उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी एक ही तरह के मार्केट में चलेगी. तो जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब एक ऐसी होती है जो इनकम जनरेट करेगी, शॉर्ट टर्म होगी, स्विंग होगी, पोजिशनल होगी, और एक होता है वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है, पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म रुकना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन. तो आपके पास ये दोनों कैटेगरी में क्या क्या स्ट्रैटेजीज है. अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप क्या कर सकते हो बुल मार्केट में, वहां पे आप RSI यूज करोगे, ADX यूज करोगे या बॉलिंजर बैंड यूज करोगे. अगर आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, कैश में ट्रेड करोगे या ऑप्शंस में ट्रेड करोगे. अगर मार्केट चॉपी है तो आप कैसे करोगे, ऑप्शन राइटिंग करोगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करोगे. तो ये सब तरह के मार्केट, बहुत ज्यादा नहीं है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, चॉपी एंड साइडवेज, ये तीन चार चीज़ें होती है. और एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म, अगर ये सारे दायरे में आपके पास एक एक स्ट्रैटेजी हो गई तो आप पूरी तरह से सक्षम हो कि आप उसमें हर मार्केट में पैसा बना सकते हो. अदरवाइज क्या होगा कि ज़्यादातर लोग पैसा बुल मार्केट में बनाते हैं, बेयर मार्केट में लॉस कर देते हैं, जो बनाया उसके ऊपर भी चला जाता है और फिर वापस वही भाव के लिए हम वेट करते रहते हैं. तो दैट्स नॉट प्रोफेशनल ट्रेडिंग. बुल मार्केट एवरीबडी कैन मेक मनी, बट इन If you are a professional trader investor, you need to make money in all kinds of market. So find out those strategies, like these 3 to 4 strategies you need in every market. Like for me, positional trades I take on RSI basis, the cup pattern. For futures I take top bottom,
and for options we have option expiry special for buying also, and when markets are choppy we use expiry special for, or we use option selling strategies, Jodi special, all that to make money from option selling. So or ek swing trading ke liye simple hai moving average band ya grandfather father son strategy, which are very clear. So this 4-5 strategies work for me. This is what we cover in our programs also. So this is you need to understand, you need to have strategies to deal with all kinds of the market if you want to become a successful trader or an investor. So this is the third thing what Dr. Van Thap says. The fourth thing, if you want to become successful trader or investor as per Dr. Van Thap's books, is that you need to know how to meet your objectives. Objectives matlab aapke goals kya hai. Pehle to kafi log trading karte lekin unke koi goal hi nahi hote, unka koi objective, aise hi trade kar rahe. लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव बना लोगे, आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन से पोजीशंस, कौन से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके पावरफुल है, कौन से नहीं है, किस में ज़्यादा रिस्क होती है, किसका बैक टेस्टिंग अच्छा चल रहा है, अगर आप जब ट्रेड लेते हो तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसे होगी, जब आप समझो 10% 20% डाउन चल रहे हो तो आप कैसे ट्रेड करोगे, जब आप 20% ऊपर चल रहे हो तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप एक्सेलरेट करोगे. तो पहले तो आपको ये जानना है कि आप कौन हो, हु आर यू, and who, what are your objectives of trading, what are your short term objectives, what are your medium term objectives, can these objectives be met. agar maine ye back testing jo trading karte hai strategies usme agar aapne agar do lot se kaam kiya hota to aapke objectives, aapka profit aur loss kitna hota tha, jaise hum back testing bolte hai, aur agar aapne 5 lot se kiya hota, aur agar aap jab profit mein ja rahe ho तब आपने अगर पिरामिड किया होता और ज़्यादा स्केल अप किया होता तो क्या प्रॉफिट होता, और जब आप लॉस में जा रहे हो और स्लो डाउन करते तो क्या हो सकता है. ये सारे नंबर्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत कम लोग ये सब काम करते हैं और इसीलिए वो सक्सेस के तक पहुंच नहीं सकते. स्ट्रैटेजी सीखना कुछ भी नहीं है जैसे हम हमेशा बताते, बट इट्स दिस द वर्क विच इज़ पोजिशन साइजिंग और वट वी कॉल द रिस्क मैनेजमेंट. लाइक क्या बाय करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये सबको पता है, लेकिन कितना बाय करना है ताकि मैं दूसरी बार ब्रेक मतलब बैंकरप्ट ना हो जाऊँ, मेरा अकाउंट निल ना हो जाए और मैं दूसरे ट्रेड में भी आ सकूँ अगर लॉस हुआ तो भी. सो अंडरस्टैंडिंग योर ऑब्जेक्टिव्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द फोर्थ थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और वॉट वी कॉल एज ट्रेडिंग गोल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The fifth thing, if you want to become a successful trader investor as per Dr. Van Thap, is to know how to eliminate or reduce your mistakes. Mistakes, galtiyan kaise karte hain hum, galtiyan to karne hi wale hum, we are all human beings and human beings will do errors, and of course in trading of course there will be big errors. So kitna bhi aap seekh lo, kitna bhi discipline ho jao, kitna bhi mindset pe bhi kaam kar lo, galtiyan hone wali hai, kyunki jab aap paise se deal karte ho emotion apne aap aa jata hai, aur jab emotional ho jate ho, when emotion goes high intelligence goes low, and that's the thing when you do a mistake. Now of course you do a mistake, bahar walon mein jo retail public hai jinko knowledge nahi hai wo galtiyan karte hain aur repeat bhi karte rehte hain, but as a professional trader, as if you are a student of Malkan's, or if you are learning this professionally, to you know the mistakes and you know how to rectify the mistakes. So what is your mechanism to rectify the mistake, matlab galtiyon ko kaise sudharte ho aap, ki agar ye galti hui hai mere se ki maine stop loss nahi rakha, ya mera gap down ho gaya, ya maine loss kar diya, to main galti ko sudharunga kaise, agli bar kya karunga, kya action lunga, aur sabse pehle galti janne ke liye main kya karunga, mera jo strong recommendation hai is to maintain a trading journal. Jab trading journal rakhte hai to aap mante ho ki aap wahan pe likhte ho ki kahan liya, kahan becha, kyun liya, kyun becha, kahan galti hui, लेने में गलती हुई या बेचने में गलती हुई, खरीदने में स्टॉप लॉस में गलती हुई या क्वांटिटी में गलती हुई, तो ये सारी गलतियां मैंने लिखी, और तब जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेड करता हूं तो ये गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा. पहली बार गलती गलती होती है, दूसरी बार गलती करोगे तो आपकी चॉइस है, राइट. और जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे वो गलती रिपीट होने वाली है. टिल द टाइम यू डोंट लर्न द लेसन द यूनिवर्स विल मेक यू रिपीट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन, एंड इन स्टॉक मार्केट द मिस्टेक्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव. इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव अंडरस्टूड दिस, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस. सो हाउ, वॉट इज योर मैकेनिज्म टू डू टू रेक्टिफाई, first of all identify the mistake and then to rectify the mistake, and then steps that you don't repeat that mistake is very very important. So these are the five things which we covered today, which are so important, right, so very important as per Dr. Van Thap, and that's, I hope this making sense. Agar aapko lagta hai ki ye video mein value hai aur aapko lagta hai ki kuch seekha aapne, aur ye series jo humne shuru ki hai Dr. Van Thap, a tribute to Dr. Van Thap, agar aapko acha lagta hai, aapko kya kya topic seekhne aur kya kya ye video se aapne seekha, usko comment mein mujhe bataiye taki main agle episode mein kuch aur naya leke aau. अगला एपिसोड में हम माइंडसेट के बारे में बात कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी पे बात कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग पे बात कर सकते हैं, टूल्स और टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग पे बात कर सकते हैं. सो ये अलग से एक पूरा आपके लिए प्रोग्राम है,
और अगर आप ये देख रहे हो तो देखना ना भूले, ट्यूसडे टेक्निकल टॉक दोनों चैनल पे हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। वो मेरा पूरा बेसिक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस पे, और एक प्रो ट्रेडर टॉक्स है जो मेघना करती है माइंडसेट के ऊपर। सो ये दोनों चीज़ अगर आप देखोगे, और ये तीसरा सोने पे सुहागा विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू वैन थाप, सो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू थ्रू दिस फ्री सीरीज विच इज़ सुपर ट्रेडर अ ट्रिब्यूट टू वैन थाप, अ स्पेशल एक्सक्लूसिव सीरीज ऑन बोथ आवर चैनल्स मलखानजू एंड स्टार ट्रेडर। और एक और गुड न्यूज़ है, अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने बताया कि अपने आप पे काम करना है और फिर ट्रेडिंग पे काम करना है, फिर माइंडसेट पे काम करना है, अंदर से भी काम करना है, बाहर से भी काम करना है, तो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है विच इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ पे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी आने वाले हैं एज अ कीनोट स्पीकर, और उनकी टीम यहाँ पे आके पूरा आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स जहाँ पे सुदर्शन क्रिया सीखेंगे। सो सुबह आपको मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, दोपहर को मेघना आपको माइंडसेट पे काम कर रही है, और शाम को आप स्पिरिचुअल पे काम कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसा प्रोग्राम शायद एक ही बार होगा, पता नहीं कभी फिर से होगा, तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। नीचे लिंक पे क्लिक करें और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में रजिस्टर कर सकते हो। और ये सीरीज को बढ़ावा देने के लिए और व्यूज देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगले सीरीज अगले वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ लेके आ सकूं। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।